जय भारत, मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। सिल्क मिल कॉलोनी मनपा उर्दू स्कूल में एनसीपी अध्यक्ष के जन्मदिन पर शालेय साहित्य वाटप का कार्यक्रम हुआ संपन्न। तेज आवाज वाले बुलेट सवारों को पुलिस उपायुक्त का दनका, आम नागरिकों को मिलेगी राहत। उज्जवल महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार कार्यक्रम का लगातार तीसरे साल हुआ आयोजन। एक वोट भी तख्ता पलटने की रखता है ताकत, वोट का करे सही उपयोग, तैयब जफर का प्रतिपादन। जवाहर नगर पुलिस ने किया शहर में दहशत पैदा करने वाले गुनेगार को अटक। एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार इनके 83वें जन्मदिन पर सिल्क मिल कॉलोनी मनपा उर्दू प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल में सुबह 11:30 बजे शहर अध्यक्ष मिराज पटेल की अध्यक्षता में शालेय साहित्य वाटप कार्यक्रम संपन्न हुआ। पश्चिम अध्यक्षा शकीला खान, पूर्व विधानसभा अध्यक्षा मंजूषा पवार, जिला अध्यक्षा छाया जंगले, शहर अध्यक्ष मिराज पटेल, कैसर पठान, शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, शहर जिला कोषाध्यक्ष अयुब खान, फरदीन खान, मतीन शेख, उर्दू प्राथमिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल आरजुमन खातून के साथ स्कूल के टीचर्स का स्टाफ और स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम अध्यक्ष शकीला खान इन्होंने किया था। ताकि जो मीटिंग बोलेंगे नहीं, हमारे आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर आज मैं आ रहा हूँ। बाजी ने वैसा मेरे को बहुत बार बुलाए, एक बार आओ, मगर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता था। मगर आज मैं साल डेढ़ साल के बाद इधर आया कि हमको ना बैनर ना पोस्टर ना लगाते हुए जो बच्चों के पास, गरीबों के पास, हिंदू लोगों के पास वहाँ जाओ और उनकी जरूरत होगी को, तो हम वैसे शहर में हम 22 प्रोग्राम हमारे तय हैं, उसमें से 7-8 प्रोग्राम हो चुके हैं। आने वाले वक्त में मैट्रिक के अंदर जो भी मैट्रिक से पहली में फर्स्ट आएगा उसको मेरे तरफ से बड़ा इनाम दूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। और महानगर पालिका के अंदर अपना एक नंबर पे स्कूल आएगा वो टीचर को भी मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और महानगर पालिका में मेरी इच्छा है कि महानगर पालिका के अंदर अपना स्कूल मैं लाना। सभी लड़कियों से, बच्चों से ये कहूँगी कि पहले आपने को जब बड़ा इलम हासिल कर रहे हो तो आपने अपने इलम के जरिए अपना अपना नाम रोशन कीजिए, अपने अपने अब्बा का नाम रोशन कीजिए, पहला अपना अहदा हासिल कीजिए और फिर बाद में अपने सब काम। इसी तरह सब बच्चों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ पे हमारे ख्वाजा भाई का फिर से हम सब किडनी की तरफ से ख्वाजा भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब दुआ करते हैं और उनके साथ हम सब मिलकर उनको साथ देंगे कि ये स्कूल और आगे जाके ये स्कूल के बच्चे अपने अपने पढ़ाई में कामयाबी हासिल करें और अपना नाम रोशन करें। मैं लड़की हूँ। शरद चंद्र जी पवार साहब जिनके जन्मदिन के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ये ऐसी आशा यहाँ पर मैं करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। पिछले कई सालों से तेज आवाज करने वाले साइलेंसर टू व्हीलर को बिठाने का क्रेज लोगों में बढ़ा है। तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाए हुए टू व्हीलर चालकों पर शहर पुलिस ने कार्रवाई का बीड़ा उठा लिया है। डीसीपी नितिन बगाटे खुद क्रांति चौक में कार्रवाई के लिए रस्ते पर उतरे। कुछ बुलेट चालक साइलेंसर से फटाके फोड़ने जैसी तेज आवाज करते हुए गाड़ियां रास्तों पर भगाते हैं, जिससे आसपास के नागरिकों को सिर दर्द, कान में तकलीफ, बुजुर्ग नागरिक तथा छोटे बच्चों को दिल की धड़कन बढ़ने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की गंभीर दखल लेते हुए डीसीपी नितिन बगाटे इन्होंने ऐसे टू व्हीलर बुलेट सवारों पर कार्रवाई की मुहिम हाथ में ली है। बुलेट, स्पोर्ट्स बाइक, टू व्हीलर चालकों पर कार्रवाई करके अभी तक 1,07,000 रुपयों का दंड वसूला गया है। समाज के जरूरतमंद लोगों की ग्राउंड लेवल पर काम करके मदद करने वाले, अपना निजी समय भी समाज कार्य करने में लगाने वाले, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले ऐसे लोगों को उज्जवल महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में
आज दोपहर में संपन्न हुआ। उज्जवल महाराष्ट्र के समाज सेवकों को सम्मानित करने का ये तीसरा साल है। सेशन कोर्ट के एक्स जस्टिस चोर पगार, गब्बर एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट मकसूद अंसारी, महाराष्ट्र हज कमेटी के मेंबर एजाज देशमुख, गब्बर एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हाफिज अली, डॉक्टर रईशा ये प्रमुख अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मैं हसन शाह साहब को और इनके पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ। गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से ये इनका तीसरा प्रोग्राम है और इन्होंने जैसा हमारे अभी तैयब जफर साहब ने बताया भैया के बारे में और जैसा हमारे हफीज अली साहब के बारे में और कई लोगों के बारे में बताया, तो ये वाकई में काबिल तारीफ लोग हैं और ये इसके हकदार है। और ऐसे लोगों को हसन शाह साहब ने चुना, मैं हसन शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ गब्बर एक्शन संगठन के माध्यम से, क्योंकि लोगों ने कोरोना में जो है तो कोई लोग बॉडी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, ये लोगों ने अपनी जान कुर्बान करके वो काम करने का काम किया। और यहाँ से 400 किलोमीटर का सफ़र जो पैदल जो है तो कैसा चलेंगे क्या चलेंगे, ऐसा हमारे हफीज अली साहब और इनके पूरे टीम, तो मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मेरे दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह महाराष्ट्र रत्न प्रोग्राम से संयोजक हसन शाह भाई तेजर बसले सगळे मान्यवर आणि उपस्थित सज्जन जेडीजांचे त्यामध्ये जेद म्हटलं का काही जास्त बोलायचं नसतं, आम्ही काही बोलत नसतो आणि तेवढी बोलायची काही सवय नसते, आम्ही फक्त ऐकून घेतो आणि जे करायचं तेच करत असतो। पण आता हे कार्यक्रम पाहिल्यानंतर मला असं वाटतं की काहीतरी दोन शब्द बोललं पाहिजे आणि मला एवढंच म्हणायचं आहे की हा महाराष्ट्र रत्न जो पुरस्कार आहे हा काही सगळ्या लोकांना देण्यासारखा नसतो, ज्या ज्या लोकांनी खूप उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये, मग तो डॉक्टरकीचं क्षेत्र असो, इंजिनिअरचं क्षेत्र असो, शिक्षिकी असो, अन्य कोणतेही क्षेत्र असो, त्याच्यामध्ये जे उत्कृष्ट काम करतात, खरंच वाक्यानं जोगं काम करतात, समाजसेवेचं काम करतात, अशाच लोकांना पुरस्कार द्यायचा असतो। आणि म्हणून मी हसन भाईला खूप धन्यवाद देतो, त्यांनी खूप चांगला प्रोग्राम घडून आणलेला आहे। त्या पुरस्काराचं स्वरूप म्हणजे कसं असते की या पुरस्काराची जी किंमत आहे ही त्या पुरस्कारामध्ये मोजता येत नाही, कारण तो पुरस्कार असा असतो की दॅट इज ए रिस्पेक्टेबल प्राईज टू यू। आणि खरंच काही काही लोक आता मी पाहिले, एक मुलगी पाहिली मी ती चंद्रकला जाधव, तिचे पुरस्कार पाहिले मी, 25-30 पुरस्कार तिला मिळाले। तिने आवर्जून मला सांगितलं की साहेब माझ्या ऑफिसला भेट द्या, तर मी वेळात वेळ काढून तिच्या ऑफिसला गेलो आणि तिचं ऑफिस खरंच पाहिल्यानंतर मला असं वाटलं की रिअली दिस गर्ल इज टेस्ट वर्दी फॉर गेटिंग द प्राइजेस पुरस्कार। आणि ही पोरगी एक स्त्री जिला सासरच्या मंडळीने आणि त्या अत्याचार करून वापस पाठवलं आणि ती जिद्दीने एवढी पुढे आली की जी मुलगी सायकल चालवत नव्हती ती पोरगी आज जेसीबी चालवते, हे किती कमालीची गोष्ट आहे। याचा अर्थ असा की स्त्री जर पेटून उठली अन्याय अत्याच्या विरुद्ध तर शी कॅन डू एनिथिंग असं मला म्हणायचं आहे। स्त्रियावर अन्याय होतात ही समाजाची मानसिकता आहे। आपण जरी म्हणतो की पुरुष आणि स्त्री समानता आहे पण ही खरं बोलण्यापुरतीच आहे, बाकी तसं काहीही नाही आहे। अन्याय अत्याचार स्त्रीवर होतात तर आपण तो दूर करण्याचा प्रयत्न करतो अशा माध्यमातून की स्त्रियांचा सन्मान करून म्हणा किंवा त्यांच्याकरता असे सामाजिक कार्यक्रम करून म्हणा आपण त्यांचा सत्कार केला पाहिजे। म्हणून मी हसन भाईला धन्यवाद देतो आणि जास्त न बोलता माझे दोन शब्द संपवतो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम सबको, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज उज्ज्वल महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल की ओर से आज जो है तो हमारा ये कार्यक्रम 3 साल से मुसलसल चालू है, तो काम करने की वजह
ये लोगों को अवार्ड देने की वजह ये है कि कोरोना में हमने जो है तो तकरीबन मैंने तकरीबन 8 महीने लगातार मैंने ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया और देखा मैंने डॉक्टर वकील और पुलिस वाले ये जो है तो बहुत ही अपनी जान पे खेलकर काम कर रहे थे। और अभी कैसा है आपके और आपको जो है तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ज़्यादा भाषण ना करते हुए आप सब समझदार हैं क्या तो मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा और आगे का जो कार्यक्रम है अपने को साथ में खाना भी खाना है और अभी जस्ट अवार्ड भी चालू होने वाला है तो मैं अगर कहीं गलती से अगर कुछ मिस्टेक अगर हो गई होगी या कहीं किसको किसके साथ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। जय हिंद जय महाराष्ट्र। कार्य ये रहा कि जो उज्ज्वल महाराष्ट्र के संपादक है हसन शाह साहब इन्होंने जो हमको जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके लिए मैं मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छावनी में मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ तो सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता की वजह से मैंने छावनी में बहुत से काम किए जो समाज के हित में रहे ऐसे काम मैंने बहुत किया छावनी के अंदर और सिटी में भी करता रहता हूँ। मेरा नाम मिर्जा आजम बेग माजी सैनिक छावनी। खबरें अभी और भी है वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। एलआरजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उमरा वर्ल्ड टूर पैकेज को केवल मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। एलआरजी आपको आपका सफर आसान और पूरे हिफाजत से करवाने का वादा करता है। अगर बेस्ट सर्विस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एलआरजी को ही चुनिए। हमारा पता है इलियास मस्जिद के पास आजाद चौक औरंगाबाद। हमारा नंबर है 0240295410। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट शुरुआती पैकेज सिर्फ ₹250 से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीम लाइन कनेक्शन के साथ तो सजेशन है हमारा चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी सर्विस हमारी UCN ब्रॉडबैंड लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। नए वोटर्स ने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुनकर देना चाहिए जो आने वाले समय में जनता के मसले जैसे लाइट पानी रोड ड्रेनेज लाइन की समस्याओं को तो हल करे साथ ही देश के भविष्य जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा की सुविधा दे युवाओं को रोजगार देने का कार्य करे। अपना कीमती वोट देकर आप जनता के समस्याओं को दूर करने वाले सही व्यक्ति का चुनाव करें ऐसी अपील वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र सेक्रेटरी तैयब जफर ने मीडिया के माध्यम से युवाओं को की है। देखिए सबसे पहली बात जो लोग इस साल 18 साल मुकम्मल कर रहे हैं या 2024 के चुनाव में वो पहले वोटर होने वाले हैं मैं उन तमाम को इस बात के तरफ वजाहत कर दूँ कि इलेक्शन इस देश का और जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के अंदर हर वोटर की हिस्सेदारी ज़रूरी है। अगर मैं खालिस मुसलमानों की बात करूं, तो मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि वोट को हमारे पास राय दहिंदगान कहा जाता है वोटर्स को और राय देना इस्लाम में फ़र्ज है और जो लोग राय नहीं देते और उनकी राय नहीं देने की वजह से उनकी खामोशी की वजह से कोई ज़ालिम हुकूमत में बैठता है तो उनकी खामोशी सीधे सीधे हिमायत ज़ालिम की होती है। तो मैं तमाम नए वोटर्स से कहूँगा कि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप वोट करें वो चाहे किसी भी धर्म से आते हो किसी भी मज़हब से आते हो आपको जिसको वोट करना है करें लेकिन आप अपनी राय दे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये शख्स पार्लियामेंट में जाए। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपकी हैसियत भी फिर वैसी नहीं रहेगी जो एक नागरिक की होनी चाहिए। EVM के बारे में ज़्यादा वजाहत तो नहीं है लेकिन जो डर है वो कई राज्यों के चुनावों से है और जो अलग अलग फैसले आए हैं EVM के नंबरात कुछ और बताते हैं उस EVM के अंदर निकलने वाली रसीदें कुछ और बताती हैं ये एक टेक्निकल मामला है लेकिन मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी से वोट करें
ईवीएम से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वोट ईमानदारी से करें और ये बताएं। देखिए, जो लोग सरकारों में बैठे हुए हैं, ये मैं हकीकत कहता हूँ, पक्ष और पार्टी को हटा के कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनतें हैं। हम सिर्फ ईवीएम पे दोष देकर ये नहीं कह सकते कि मैं वोट देने नहीं जाऊँगा। मुझे तो ये लगता है कि ये भी एक भरम है ताकि नया आदमी वोट देने ही ना जाए, कि मेरा वोट तो सही जगह पहुँचेगा ही नहीं। आपका वोट जहाँ भी पहुँचे, आपका जिम्मेदारी कि आप वोट देने जाएँ। मैं नौजवानों से ये बड़ी दिल की गहराइयों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग एजुकेशन के ऊपर, आप लोग जॉब के ऊपर, आप लोग अपने फ़ायदे बख्श कामों को मुद्दे पर वोट करें। और जो भी नेता जिस भी पक्ष से आता हो, चाहे वो भगवा मफलर लेके आता हो, चाहे वो हरा मफलर लेके आता हो, चाहे वो नीला मफलर लेके आता हो, जो भी जिस विचारधारा से आता है, उसको साफ साफ कहिए कि हमने वोट अपने जो है तो तरक्कियात के लिए दिया है। हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास कॉलेजेस की सुविधाएं अच्छी हो। हम इसलिए वोट देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं, उनको नौकरियां मिले। हम इसलिए वोट करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बने और कुर्सियों पर बैठे, ना के पकौड़े बेचे। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट देते हैं, फिर आखिरी में पकौड़े बेचना उनका मुकद्दर हो जाता है। मैं तैयब जफर, वंचित बहुजन अघाड़ी का मराठवाड़ा सेक्रेटरी हूँ। शहर में कोयता लेके दहशत निर्माण करने वाले रिकॉर्ड पर के गुनेगार को जवाहरनगर पुलिस ने अटक की है। शेख आदिल शेख शाहरुख ऐसा इस गुनेगार का नाम है। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क।